थाना में आप लोग क्यों बैठे? मुस्लिम महिलाएं आज कारगिल चौक पे हजारों हजार की तादाद में धरना पे मजबूरन जो है हम लोग अपने हक की मांग के लिए हम लोग बैठे हैं। और ये जो खवातीन जो बिल पास हुआ है ये बिल्कुल जो है गलत है, इसमें पसमानदा और मुस्लिम खवातीन को बिल्कुल जो है छोड़ दिया गया है। हम लोगों को कोटा में कोटा चाहिए, हम लोगों को जो है इस तरह से बहलावे और फुसलावे में अब हम लोग नहीं आने आएंगे। इसमें जो है कांग्रेस का गलत नियत पता चल रहा है कि हम लोगों को मुस्लिम खवातीन को हक नहीं देना चाहते हैं। नीतीश जी ने 50% जो है नगर निगम में आरक्षण दिया महिलाओं को, लेकिन इसमें जो है मुस्लिम खवातीन को कहीं पर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया, जिसके कारण आज नगर निगम में मात्र हम लोग दो मुस्लिम खवातीन है। अगर हम लोगों को रिजर्वेशन मिलता मुस्लिम खवातीन का अलग से, तब तो हम लोग जो है और मुस्लिम खवातीन रहते ना हाउस की मीटिंग में। नीतीश कुमार भी जिस तरीके से बिल पास हुआ उसका समर्थन किए, क्या कर रहे हैं नीतीश जी और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मिली भगत है। इन लोगों का जो है गलत नियत है, ये साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम औरतों के खिलाफ साजिश है ये। आगे रणनीति क्या होगा? हम लोग जो है इस तरह से हम लोग चुप बैठने वाले नहीं, मुस्लिम महिलाएं किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। ये हम लोग का जो है शुरुआत हो चुका है, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग रोड पर आ चुके हैं और इस लड़ाई को हम लोग उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक के मुस्लिम खवातीन को उनका सही हक नहीं मिल जाए, पार्लियामेंट में उनको जगह नहीं मिल जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है कांग्रेस की, मुस्लिम महिलाओं को पार्लियामेंट में नहीं जाने देने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट के दरवाजे पे मुस्लिम खवातीन के लिए तालाबंदी कर दिया है। मुमताज जहां वार्ड पार्षद, आप धरना क्यों दे रही हैं? धरना देने का मेन मकसद है कि हम मुसलमानों को भी आरक्षण पार्लियामेंट में चाहिए। केंद्र सरकार जो है आरक्षण तो महिलाओं को 33% दे दी है, लेकिन हर महिला मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है। वो 33% महिला कर देने से नहीं होगा, साफ साफ ये कहा जाए कि इतना परसेंट मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले, ये होना चाहिए। बस मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण के लिए ही हमें यहाँ पर धरना दिया है। इस धरने में क्यों बैठी हैं आप? बताना चाहती हूँ कि जो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है उसमें औरतों, हम मुसलमान औरतों को सबसे छांट दिया गया है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जो बिल पास हुआ वो हमारे खिलाफ है, हमारे पक्ष में नहीं है। और तो मैं चाहती हूँ कि जो पास हुआ जितने परसेंट पास हुए से मिनिमम 10% भी हम मुसलमानों को दिया जाए, वरना अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि सोनिया गांधी जिसने बिल पास किया है वो खुशी खुशी इसमें से हम लोगों को पाल, मतलब जो हक बनता है मिनिमम 10% भी हम लोगों को दे देते हैं तो हम लोग शांत हो जाएंगे। वरना हम लोग पिछड़े जाति होने के नाते जितनी भी जिस हद तक जाना पड़े उनको हम लोगों की ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर ये हक जिस लड़ाई के हम लोग आगे बढ़े हैं, अगर हम लोगों की मांग को न पूरी की गई तो सोनिया गांधी ये सोच लें कि उन्हें इस गद्दी को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आज कम से कम इनके उनको वार्निंग देना चाहती हूँ कि वो आज भी होश में आए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शाहजादी बेगम, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 4। ये आप धरने में क्यों बैठी हैं? हम लोगों को कम से कम 10% मुस्लिम लोगों को अधिकार चाहिए। 33% अधिकार तो दिया गया है आप लोगों को कि आप लोग क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं मिला आप लोगों को? क्या चाहिए? अच्छा, और आप क्या किस लिए बैठी हैं? अपना अधिकार के लिए। क्या अधिकार चाहिए आप? हम लोग को चाहिए महिला सबका रक्षण चाहिए, मुस्लिम महिला को। क्यों बैठी हैं आप लोग धरने में क्यों बैठी हैं? हम लोग अपने हक मांगने के लिए। 33% आरक्षण तो दे दिया है चुका है, नहीं दिया है, हम लोग एमपी तक लड़े हैं। आप लोग कितना चाहिए, क्या चाहिए? हम लोग को अपने अपने मोहल्ले में सिलाई पढ़ाई रोजगार बिजनेस ये सब चाहिए। आपका नाम क्या है? आप बताइए आप क्यों धरने में बैठी हैं? इसलिए बैठी हुई है क्योंकि मुझे रोजगार चाहिए,
घर कस के बोल दिल्ली तक जाएंगे अगर हम यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो यूपी तक जाएंगे। 33% आरक्षण तो दे दिया है चुका है। आप क्यों बैठी है? हेलो, आप क्यों बैठी है? क्यों बैठी है आप आरक्षण में धरने में? अपने हक लड़ने के लिए बैठी। 33% आरक्षण दे दिया चुका है कांग्रेस की ओर से, तो आप क्या क्या करना चाह रही हैं, क्या चाह रही हैं कि आप साइड से क्यों बैठी हैं? यहाँ से नहीं मिलेगा तो दिल्ली तक जाएंगे और वहाँ जाकर लड़ेंगे। तो यहाँ की सरकार से आप क्या कहना चाह रही हैं और क्या ये आप हमारे मोहल्ले में और क्या बात? हमारे मोहल्ले में बहुत सारी मजबूरी है, गरीब लोगों को छोड़ दिया जाता है। जब नेता बन जाते हैं लोग तो अपने में भुला जाते हैं, और जब वोट देने के लिए जाते हैं तो दावा फैला कर यहाँ पे चले आते हैं, जब वोट भर जाता है तो फिर चले जाते हैं। हम लोग के पास तो कुछ नहीं, मुसलमान को तो देखते ही नहीं है, मुसलमान को तो देख रहा है तो छाड़ दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता है मुसलमान लोग। आप क्यों बैठी हैं? अपने हक के लिए। ये आरक्षण तो दे दिया चुका है, 33% आरक्षण दे दिया चुका है, फिर क्यों बैठी में क्यों बैठी हैं? इसमें मुस्लिम औरतों को आरक्षण देना चाहते दिलाना चाहते हैं हम लोग, मतलब हम लोग को आरक्षण देना होगा। और ये 33% आरक्षण तो मिल चुका है, फिर आप लोग अलग से क्यों मांग रही हैं? क्योंकि हम लोग की मुस्लिम जाति जो है बहुत पिछड़ी हुई है, और मतलब इसको मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है, सरकार जो इस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी मुस्लिम जनता जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे और आगे से आगे बढ़े। तो आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को आरक्षण दिया जाएगा दिया जाए, सुविधा नहीं है यहाँ पे, कोई अच्छा कार्रवाई नहीं किया जाती है, लड़की की कोई ये नहीं है। तो 33% आरक्षण तो मिल चुका था, फिर आप लोगों को क्या चाहिए अलग से? मुस्लिम को अलग से चाहिए हम लोग को। क्या चाहिए, क्या करना है आपको? क्यों बैठी है धरने पे? ताकि महिला जो आई है हम अपना आरक्षण महिला को आरक्षण के लिए संघर्ष करके, और 33% आरक्षण तो मिल चुका है, फिर क्यों बैठी है? सरकार को दिखाना है कि मुस्लिम महिला मुस्लिम महिला चुकी है, अब उनका हक ज्यादा। और आप लोग क्या चाहती हैं? लड़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे। क्या है, क्यों बैठी है मैडम ये धरने पे? आप लोग धरने पे क्यों बैठी हैं आज? धरने पर अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं। ये 33% आरक्षण तो वहाँ से दे दिया गया है, कांग्रेस ने दे दिया, तो फिर आप लोग अलग से क्यों मांग रही हैं? 33% रिजर्वेशन तो जनरल महिलाओं के लिए, जनरल औरतों को, हम लोग अपना अलग रिजर्वेशन मांग रहे हैं। क्या चाहती हैं और आगे क्या करना है? और आगे जो होगा हम लोग को नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ाएंगे। नाम बताइए। नाम क्या है आपका? धरने पे क्यों बैठी हैं आप? और 33% आरक्षण तो मिल चुका है, तो फिर क्यों अलग से मांग रही हैं? 33% आरक्षण मिल चुका है, फिर अलग से क्यों मांग रही हैं? ठीक है, तो क्या चाहिए आगे? हम लोग के लिए होना चाहिए, देखिए बुढ़िया औरत मेरी माँ को रखे, मैं हम लोग समाज